नमस्कार, मैं हूँ नीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है मंचा महादेव व्रत कथा। एक समय श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगरी में आए। वहां के राजा ने शिव मंदिर बनवाया था जो कि अत्यंत सुंदर तथा मन को शांति पहुंचाने वाला था। भ्रमण करते समय शिव पार्वती जी वहाँ ठहर गई। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, आओ आज इसी स्थान पर 64 पांसा खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। शिव जी कहने लगे कि मैं जीतूंगा। इस प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। उस समय पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी। पुजारी बोला, इस खेल में महादेव जी के समान कोई दूसरा पारंगत नहीं हो सकता, इसलिए महादेव जी ही जयबाजी जीतेंगे। परंतु हुआ उल्टा, जीत पार्वती जी की हुई। पार्वती जी ने पुजारी को कोड़ी होने का श्राप दिया कि तूने मिथ्या भाषण किया है। अब तो पुजारी कोड़ी हो गया। शिव पार्वती जी दोनों वापस चले गए। कुछ समय पश्चात अप्सराएं पूजा करने आई। अप्सराओं ने पुजारी के उसके कोड़ी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सब बातें बता दी। अप्सराएं कहने लगी, पुजारी जी आप मंचा महादेव व्रत करें तो शिव जी भोलेनाथ जी प्रसन्न होकर आपका सब संकट दूर करेंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत करने और अध्यापन करने की विधि बता दी। पुजारी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत प्रारंभ किया और अंत में व्रत का अध्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। कुछ दिनों बाद शंकर पार्वती जी फिर आए। फिर उस मंदिर में आए तो पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी ने पूछा कि मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का तुमने कौन सा उपाय किया है। पुजारी जी ने कहा, हे माता, अप्सराओं द्वारा बताए गए मंचा महादेव व्रत करने से मेरा यह कष्ट दूर हुआ है। पार्वती जी ने भी मंचा महादेव व्रत किया, जिससे रूठे हुए कार्तिकेय जी भी अपनी माता से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने पूछा, हे माता क्या कारण है कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है। पार्वती जी ने कार्तिकेय जी के पुत्र को मंचा महादेव व्रत का महत्व तथा विधि बताई। तब कार्तिक जी ने भी इस व्रत को किया। उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। अब मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया। वह विदेश चला गया। वहाँ के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि हथनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डाल देगी उसके साथ राजकुमारी का विवाह करूँगा। यह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहाँ एक और जाकर बैठ गया। हथनी ने इसी ब्राह्मण मित्र को माला पहनाई तो राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। तत्पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया था जिससे हथनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई। ब्राह्मण पति ने कहा, मैंने कार्तिकेय जी द्वारा बताए अनुसार मंचा महादेव व्रत पूर्ण विधि विधान सहित श्रद्धा भक्ति से किया, जिसके फल के कारण मुझे तुम्हारे जैसी सौभाग्यशाली पत्नी मिली। अब तो राजकन्या ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होकर पुत्र ने भी राज प्राप्ति की कामना से मंचा महादेव व्रत किया। राजा के देवलोक होने पर इसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, परंतु उसने पूजा सामग्री अपनी दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो राजभाट से हाथ धोना पड़ेगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। तब वह अपने भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई और अपना दुखड़ा सुनाया तथा बुढ़िया को बताया, मैं पूजन सामग्री राजा के कहे अनुसार शिवालय में नहीं ले गई और राजा ने मुझे निकाल दिया। बुढ़िया ने कहा, तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार कर लिया। तब बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सिर पर रखी और बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो सिर पर रखी गठरी उड़ गई। बुढ़िया ने डांट कर उसे भगा दिया। अब रानी बुढ़िया के जहाँ से चलते चलते एक आश्रम में पहुंची। गसाई जी ने उसे देखते ही समझ गए कि जय उच्च रानी की अबला विवता की मारी है। वे उसे धैर्य बनाते हुए बोले, बेटी तू मेरे आश्रम में रह, किसी प्रकार की चिंता ना कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को वह हाथ लगाती वह वस्तु खराब हो जाती। जय देखकर गसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के प्रास से ऐसा होता है। रानी ने बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और शिवालय में पूजन के लिए नहीं गई, इससे मुझे घोर कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। गसाई जी ने शिवजी भोलेनाथ जी से उसके लिए प्रार्थना की और कहा कि बेटी तुम मनसा महादेव व्रत विधि विधान करो। तब रानी ने विधि पूर्वक व्रत पूर्ण किए। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई
और दूतों को उसकी खोज में भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने राजा को बताया। तब राजा ने वहां जाकर गसाई जी से कहा, महाराज जय मेरी पत्नी है, मैंने इसका परित्याग कर दिया था, कृपया मेरे साथ जाने की आज्ञा दें। शिव जी की कृपा से मनसा महादेव व्रत करते हुए बेआनंद से रहने लगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। कथा सुनने के पश्चात भगवान शिवजी भोलेनाथ जी की आरती ओम जय शिव अंकारा जरूर गाएं।